Hey guys, welcome back to new another video. So guys, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। तो अभी मैं आई हूँ अपने पुराने वाले घर में और दिवाली के लिए मुझे इस आंगन में मुझे एक रंगोली बनानी है और हमारे यहाँ रंगोली को चौक कहते हैं। तो गाइस, इस आंगन में मैं बनाने वाली हूँ चौक को एंड मैंने आउटलाइन कम्प्लीट कर लिए इसके लिए एंड जो पहले महिलाएँ बनाती थी उसी तरीके से मैं बनाऊँगी, अपने तरीके से कुछ भी नहीं बनाऊँगी, जो पहले बनाते थे उसी तरह डिज़ाइन बनाऊँगी। तो गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। रंगोली या चौक को बनाने के लिए यूज की जाती है व्हाइट मिट्टी एंड रेड मिट्टी। सबसे पहले इनको पानी में भिगो दिया जाता है एंड उसके बाद यूज किया जाता है। एंड गाइज, इस रंगोली को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसको मांडना भी कहते हैं। ये रंगोली किसी भी त्यौहार पर बनाई जाती है, जैसे कि तीज, दिवाली, इस तरीके के फेस्टिवल पर बनाई जाती है। इस तरीके की चित्रकला की परंपराएं हमारी संस्कृति को बनाए रखती है। अभी दीपावली आ रही है तो इसके लिए आंगन में इस तरीके के चौक या मांडना को बनाया जाता है। आज के टाइम में ये परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं और इनको कंटिन्यू रख के इस तरीके की परंपराओं को लुप्त होने से हम बचा सकते हैं। एंड गाइज, क्या आप भी इस तरीके की रंगोली बनाते हो? अगर आप रंगोली बनाते हो तो उसको आप अपनी भाषा में क्या कहते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी को हैप्पी दीपावली। एंड गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड आप देखिए, ये फाइनल रिजल्ट रंगोली का काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।